इस तरह की पूरी पूरी कंपैरिजन की वीडियो आ रही है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित किया, तमन्ना भाटिया ने वही किया लेकिन नंगे पैर किया, नंगे पैर कर दिया। अब ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि इनको हीरोइनों के पांव नंगे चाहिए, ये चीज मेरे को देख के अच्छी लग रही है कि चलो एटलीस्ट तारीफ हो रही है इस चीज के। रणवीर सिंह पूरा नंगा हुआ, नेशनल इशू ये खराब करता है। अरे उसमें अच्छी बात है बॉलीवुड के संस्कार, उसमें ये तो देखो कि रणवीर सिंह ने चप्पल नहीं पहनी हुई है, अगर तुम्हें चप्पल पहनने से दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर। जय दोस्तों, मैं हूँ बॉलीवुड का दलाल राजेश, और घड़ी दिखा दो पहले, बहुत दिन हो गए थे दिखाए हुए। वड़कम फ्रेंड्स, दिस इज साउथ का सेम शुभम। हमारी साउथ की फिल्म कार्तिकेय 2 भाई हिंदी में पूरे 3-4 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। इतने आमिर खान केबीसी में नहीं जीत पाया था, किसके साथ, किसी उत्तर आर्मी वालों के साथ ही खेलने आया था वो, तो क्या हो गया भाई, बस निकल गई हवा। मैं बोल देता हूँ, जो व्हाट्सएप पे आता है, अच्छा शेर हमला करने से 4 कदम पीछे जाता है ताकि वो चल के हमला कर सके। पर आमिर खान तो शेर ही नहीं है, शेर तो मोदी जी है, एक ही शेर है। ये हो गया 1400 जंगल में एक पार्लियामेंट में 1401 शेर है हमारे पास, सिंपल सी बात है। तुम्हारे तो कोई भाई कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रही है। लाल सिंह चड्ढा दोस्तों, बहुत कोशिश की हमने अच्छा रिव्यू देके धक्का लगा देगी भाई, हमने तो ऑनेस्ट रिव्यू दिया था एक्चुअली, हम बिना किसी हेट के बायस के गए थे। उसमें अच्छे कमेंट भी आए थे कि इन्होंने जेन्युइन रिव्यू किया है, अच्छे हमारा कोई वो नहीं था कि भाई उसने पास्ट में क्या बोला, हमने पिक्चर के ऊपर बात की थी। और हम तो अभी लोगों को छूट है, जिनको स्पीच पे जज करना है वो भी ठीक है, वो भी करे, और मुझे लगता है ज्यादा ही लोगों ने जज कर लिया। पर भाई 50 करोड़ बनाने के लाले पड़े, सोच थग्स ऑफ हिंदुस्तान इससे तगड़े ओपनिंग थी, पहले दिन की 54 करोड़ कमाई थी उसकी। देखने तो गए थे ना, अब तो देखने नहीं जा रहे अब थे। हो गया है कि भाई कोई नहीं जाएगा मुझे लगता है, और जो देख के आ रहे हैं वो बाहर आके नहीं बोल रहे कि अच्छी फिल्म है, बोल ही नहीं सकते। पुलिस आपको हमने आपको भाई जैसे थिएटर से मैं निकला था ना बाहर, तो मेरे माथे पे वो थी रेड लाइट, ऐसे लेजर लाइट। मेरा एक दोस्त इसमें रहता है, उससे किसी ने साइड में से आवाज आई कैसी थी, मैंने गंदी, तब वो लाइट बंद। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ग्रैंड ओमेक्स नहीं है नोएडा में सोसाइटी, तो उसमें पुलिस आई। अब लोग खुश है, श्रीकांत त्यागी को पकड़ने आई होगी, 4 लोगों को उठा के ले गई जो ये लाल सिंह चड्ढा की तारीफ कर रहे थे। और एक तो वही था, उसने वो लिख दिया था ट्विटर पे, मोहम्मद पाजी लव यू, वो तो आपको पता ही है, तो जा रहा था वो उधर पाकिस्तान भेज दिया से। बुरा हाल हो चुका है बॉलीवुड का। नेक्स्ट मुझे उम्मीद पठान से थी, और पठान का बॉयकॉट ट्रेंड अभी से शुरू हो गया है भाई। पठान के अंदर दीपिका पादुकोण है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है। शाहरुख खान को पुरानी वीडियो निकाल दी गई है जिसमें उसने बोला था कि इंटॉलरेंस तो बढ़ गई है। शाहरुख खान की तो नई तिरंगा चप्पल पहन के फहरा दिया शाहरुख खान ने, ये बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा शाहरुख खान फहरा देता ठीक है, दिक्कत ये हो गई कि रॉकिंग स्टार यश, उन्होंने नंगे पैर झंडा हाथ में लेके फोटो खिंचाई, डिफरेंस। और इस तरह की अब पूरी पूरी कंपैरिजन की वीडियो आ रही है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित किया, तमन्ना भाटिया ने वही किया लेकिन नंगे पैर किया, नंगे पैर कर दिया। अब ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि इनको हीरोइनों के पांव नंगे चाहिए, ये चीज मेरे को देख के अच्छी लग रही है कि चलो एटलीस्ट तारीफ हो रही है इस चीज के। रणवीर सिंह पूरा नंगा हुआ, नेशनल इशू ये खराब करता है, उसमें अच्छी बात है बॉलीवुड के संस्कार, उसमें ये तो देखो कि रणवीर सिंह ने चप्पल नहीं पहनी हुई है, अगर तुम्हें चप्पल पहनने से दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर लो। पर भाई अब बहुत मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड के सारे लोगों को ये कर देना चाहिए कि फॉलो कर लें साउथ के सारे सुपरस्टार्स को, देखें वो कल क्या कर रहे हैं, पहले वो करें फिर ये कॉपी करें, फिर तुम अब जब फिल्म भी कॉपी कर रहे हो तो करो ये भी करना यार, भाई उनकी पर्सनैलिटी कॉपी करो। बिल्कुल यार, इतनी ज्यादा मतलब अब मुझे कोई स्कोप बसता दिख नहीं रहा है, कोई स्कोप नहीं है। ब्रह्मास्त्र है जो ब्रह्मास्त्र, लेकिन अगर वो खत्म तो बॉलीवुड खत्म भाई समझ नहीं आ रहा है मुझे। मतलब सिर्फ दो फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं साल की, भूलभुलैया 2 और कश्मीर। और ये अनुपम खेर ने डाला भी है, हाँ, कि इस साल के 2 सुपरस्टार हम दोनों ही हैं। अनुपम खेर ने कार्तिक आर्यन के साथ सेल्फी डाली, ये लिख के। बाकी ऐसी गॉसिप से भरा हुआ शो भी हमने इस हफ्ते देखा नेटफ्लिक्स पे, इंडियन मैच मेकिंग सीजन 2। ओ भाई इसकी तो क्या ही बोले, क्या ही है मतलब, ये तो हर हिंदुस्तानी की पसंद वो टॉपिक पे मैं कह रहा हूँ। और आई एम सरप्राइज कि ये शो अभी तक अंकल आंटियों में क्यों नहीं पॉपुलर हुआ, क्योंकि भाई बातें तो सारी वो हो रही होती है जो उन्हें पसंद आती है। एंड में लेजिट लाइन बोली गई है, एक आंटी आके ऐसे कहती है कि नो अरेंज मैरिज इज ऑलवेज बेटर बिकॉज अरेंजिंग इज आर्ट, इफ यू आर अरेंजिंग समथिंग दैट्स आर्ट इट विल ऑलवेज बी बेटर। तो उसमें जितने पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं सब अरेंज मैरिज वाले ही होते हैं, अपने बच्चे लेकर आ रहे होते हैं जो। और ये अगर आपको लगता हो कि पढ़ाई लिखाई से कुछ चीज सुधर जाएगी, कुछ नहीं होता, कुछ वो नहीं एक होता। से एक पढ़े लिखे अमेरिका में रह रहे हैं, गांजा फ्री है वहाँ, तो उनकी बुद्धि नहीं सुधरी सोचो। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे कम नंबर आने पे मेरा बाप मुझे कम्पीट है, तो यहाँ बिजली भी पूरी नहीं आती है अभी, ठीक है। इन हालातों में अगर हमारे माँ बाप टॉक्सिक हैं भाई, बनता है उनका होना,
तो वो टॉक्सिसिटी नहीं है। हाँ, that's just their situation. So, वो हमारी खुराक है। हाँ, वो हम डिजर्व करते हैं, मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए, हमारा दिमाग सही रहता है। अमेरिका में सोच ना, घर से बाहर निकले, आसमान नीला, जमीन पे बर्फ पड़ रही है, चेहरे आस पास से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी माँ बाप के हाल वही है। तो इट इज नॉट अबाउट इंडियन पेरेंट्स, आई थिंक कुछ है, बट फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से, भाई मेरा तो इसे गिल्टी प्लेजर कह लो, कुछ भाई शुरू होता मैं तो खत्म करके पड़ते हैं यार। मुझे मजा आया इस शो को देखने में, जरूर देखें। तो शो के लीड रोल में सीमा टपारिया फ्रॉम मुंबई हैं, और उनका मुझे इतना बढ़िया लगता है ये मुंबई वाली चीज, तो भाई ऐसा तो नहीं कि किसी के अनजान के घर में जा रही है। हाँ, लेकिन सब बता दी, सब ऐसा व्हील का सर्फ तो बेचने जानी रही। हाँ, चार कैमरे वाले ऑलरेडी पहुंचे हुए, सब सीमा आंटी आ रही है। हाँ, खोलेंगे गेट, खोलेंगे तक 1 2 3 स्टार्ट। लेकिन इंट्रो हमेशा ये लेती है, हाय सीमा फ्रॉम मुंबई, ये बड़े लोगों की पहचान होती है। अच्छा, हमेशा पूरा बताना होता है, पूरा बताना होता है, जैसे अमिताभ बच्चन, हाय दिस इज अमिताभ बच्चन, हमेशा कौन नहीं हाय करेंगे तो पता चल जाएगा अमिताभ बच्चन के सामने, हाय दिस इज शाहरुख खान। ये बड़े लोगों की पहचान होती है, अमिताभ बच्चन अपने नाम तो बताता है हमेशा, सब बताते हैं यार, सब बताते हैं अमिताभ बच्चन, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था ये, कहीं से तो बड़े आदमी बनना शुरू करें। ये सही है, तो अब से मुझे कॉल किया कर बता कर, हेलो राजेश बात कर रहा हूँ, उसका राजेश बात कर रहा हूँ, राजेश बात कर रहा हूँ, मैं भी दर्द दिया करूंगा, ये तो कॉल है, चल मिल के भी सामने सामने। हाँ राजेश, हाँ बड़े आदमी की यही चीज तो काउंट होती है। मैं इतना बड़ा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, पहले हाथ बढ़ाया उसने, पहले खुद से। हाँ। उसने बोला हाय दिस इज रणबीर कपूर, ऐसे सलोनी सी बात पे तो इंप्रेस हो गई उसकी, शमशेरा में एक कमी नहीं दिखी उसे, यार भैया खुद से इंट्रोड्यूस किया था उसने, यही तो ट्रिक है भाई बड़े आदमी की। और छोटा आदमी कर दे टेप हो रहा है, छोटा आदमी, हाँ छोटा आदमी तो उसने हाथ बढ़ाया, सामने वाले नहीं देखा तो उसकी सुलग जाती है। नहीं देख पाया, आगे बढ़ते हैं। हाँ। बाकी कास्ट में बहुत सारे कपल्स हैं, कपल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हैं, किसी का कपल बन जाता है शो होते होते, कोई ढूंढ रहा है। हाँ, तो उसमें हमको कौन कौन से याद रह गए हम बता देते हैं, तो वो बताते हैं पिछले सीजन से कौन कौन आए, नाडिया, अपर्णा, प्रद्युमन। हाँ, ये पिछले सीजन से हैं, इनको तो आप जानते ही हैं कौन कौन है। इस सीजन में नए लोग हैं, एक अक्षय है, जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अक्षय पे पैसा तो बहुत है लेकिन छोटे शहर में, अक्षय नासिक रहता है, और अक्षय जो है, और अक्षय जो है नासिक नहीं छोड़ना चाहता भाई, लोकेशन जो लड़कियां आने को तैयार नहीं, लड़कियां आने को तैयार नहीं है नासिक। अब अक्षय के साथ लोकेशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एक की कनाडा, एक की नासिक, दिक्कत हो रही है ओला उबर वाली, ओला उबर वाली कोई उसके शहर आने को तैयार, शहर आने को उसके राइड लेना चाहता है, बुकिंग नहीं मिलती उसको, राइड लेना चाह रहा है, गलत टर्म है भाई, लेना चाह रहा, देना थोड़ी चाह रहा है, अरे राइड लेना भाई, मैं तो अपना मैं ठीक है यूजी भाई, आपको कुछ नहीं पता, बॉलीवुड का दलाल हूं भाई, मेरी फिल्म ऐसी होती है, आपको कुछ नहीं पता। तो हाँ ठीक है, भाई राइड नहीं मिल पा रही है उसको अक्षय को, ठीक है पैसा बहुत है अब ठीक है, यही बात मैंने बोल दी, साउथ वाले ने बोल दी तो ठीक है, क्योंकि भाई मैंने चप्पल उतार के बोली ना ये बात, यही तो फर्क है, हरकतें वही है, कोई फर्क नहीं है। तो अपनी मेन बात यह है कि अक्षय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत पैसा है, नासिक में रहता है, इसी लड़कियां नासिक आने को तैयार नहीं है, और वो मुंबई जाने को तैयार नहीं है। क्या फैक्ट्री है उसकी, चिकन का काम है, चिकन इंजीनियरिंग के कुछ वो बनते इक्विपमेंट बनाता है, पोल्ट्री के इक्विपमेंट बनाता है बेसिकली, उसका प्यार है चिकन के, कस्टमर है चिकन, वो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। उसके अलावा अक्षय के अलावा इस बार भाई विदेश में भर भर के रिश्ते ढूंढे गए, पूरा विदेश चला था, मेरा मन कर गया। हाँ, सिर्फ भारत में तो सिर्फ अक्षय के लिए रिश्ता ढूंढा गया है, बाहर एक है अश्लील, अश्नील एक सर, और भाई पूरा यूएस का नक्शा याद हो गया मुझे। हाँ। सब समझ में आ गया कि ओहायो अलग है और एक पहले पहले अलग है। हाँ। एक इलिनॉय करके स्टेट है, शिकागो है जहाँ पे, और कैलिफोर्निया है, पूरा नक्शा समझ में आ गया। तो इसके अलावा अश्नील करके एक सरदार जी है, सरदार जी का ठीक है, सरदार जी मेरे को सबसे अच्छे लगे, बड़े सिंपल उनकी चीजें थी, एक थोड़ा सा इस चीज को लेके इनसिक्योर थे कि लड़की मुझे पगड़ी वगड़ी पे जज ना करे, बाकी उनकी मांग जांच बड़ी वैलिड सी थी, तो उनको और उनके जिस लड़की से बातचीत उनकी चलती है, रिंकल नाम है उसका, है बाहर रहती है, रिंक है तो मुंबई की, वो रिंकल डिंपल चलते हैं नाम, तो रिंकल सिंपल भी सुना मैंने अगेन, वो ओजी जो कॉन्वर्सेशन हमने एक बार की थी, डिंपल की अगर एक बहन हो गई सिंपल ही नाम होगा, डिंपल कपूर की डिंपल कपूर तो सिंपल कैसे आप किसी का नाम रख सकते हो यार। एक और अंटिल ऑफ कोर्स आप साउथ इंडिया से हो, देन एवरीबॉडी इज सिंपल, सबका निकनेम सिंपल है फिर तो, क्योंकि सब होते ही हैं। इसके अलावा एक और रिंकल डेंटिस्ट है, सरदार जी अपने कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और है विरल, विरल जोशी, विरल जोशी वो 30 साल की है, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उन्होंने 29 साल की उम्र अपना घर ले लिया है। इस पूरे शो की सबसे लेजेंडरी लाइन उन्होंने बोली है, वो कहती है आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ बेटर हाफ बिकॉज आई एम अ कम्प्लीट पर्सन, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और इसके बाद से लड़कियां थक नहीं रही हैं उसे यू गो क्वीन बोलने में, वो पूछ रही कहाँ जाऊँ
बताओ लड़कियां भाई यू गो क्वीन है कि उनका बैग हमेशा पैक रहता है पूरा बहुत ऑर्गेनाइज रहती है। कब कौन सी डिमांड, कब कौन सी बात पे लड़की बोल दे यू गो क्वीन, बैग उनका पैक रहता है, उनकी डिमांड बहुत है पर लेकिन डिजर्विंग लगी, वैलिड है, वैलिड है, ऐसी कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं है कि भाई फालतू चाहिए। और एक फिनाले में आई थी प्रिया, ये दो मुझे बंदियां सबसे सही लगी कि हाँ इनके नखरे करने बनते हैं। प्रिया का तो बनता भी है, प्रिया तो सिंपिंग हो सकती है प्रिया के ऊपर, अच्छी खासी ठीक ठाक भाई, अभी शादी तो नहीं हुई ना प्रिया ना, अरे प्रिया ने मना कर दिया उसको, बस ठीक है और क्या, जैसे सिंपिंग फुल चालू है, फुल सिंपिंग प्रिया के लिए। तो प्रिया है और शुरुआत में ये हाँ तो अभी इन पे फोकस है। विरल, विरल की एक चीज से मेरे को लेकिन प्रॉब्लम लगी, विरल कहती है कि लड़का गुजराती स्पीकिंग होना चाहिए, और इस शो में दो ढाई घंटे की फुटेज है उसकी, एक लाइन नहीं बोली उसने गुजराती में, सिर्फ इंग्लिश में बात की है। और एक लड़के से मिलने में गई थी विरल से, हाँ एक और दूसरे से, उसका नाम भी विरल था, उसने बोला भी कि गुजराती में बात करें, हाँ तब बात भी नहीं करी, बात भी नहीं करी, पता नहीं क्या हिसाब था, बट शी हैज अ थिंग फॉर गुजराती, मतलब उसके है, हाँ, उसकी चॉइस है कि उसे गुजराती लड़का चाहिए, हाँ। और विरल जिन लड़कों से मिलती है उसमें एक तो ये विरल कोठारी होता है, फिर एक और लड़के से मिलती है उसका भी नाम मुझे याद नहीं है, बट उनकी मेन डिमांड ये है कि लड़का थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो लंबा, उनसे लंबा होना चाहिए और एथलेटिक होना चाहिए, थोड़ा हाँ, फिट होना चाहिए। पिलातेस कहते हैं उसे, हाँ क्योंकि वो पिलातेस करती है, उन्होंने कहा कि मेरे को भी चाहिए, मेरे साथ भी कोई, लेकिन अगेन विरल वो है कि बनता है उसका पिलातेस, 30 साल की उम्र में उसने घर ले लिया, उस पर कोई डेप नहीं, कोई डेप, कई बार बोलिए लाइन, अरे भाई यूएस में बड़ी चीज होती है सर, वहां कर्जे में जी रहे हैं, वो साले कॉम्प्लेन भी कर्जा लेके पीते हैं। एक विनेश नाम के भी बंदे दिखाए गए हैं, अब सॉरी अगर मैं जजमेंटल साउंड कर रहा हूं, भाई विनेश सुंदरता में मैं रेट करूं तो 5/10 ही है, बंदी चाहिए लेकिन साले को सुंदर, खुल के नहीं बोल सकता ना कि उसको गोरी लड़की चाहिए, हां तो उसे बोलना है कि शी बी फिजिकली अट्रैक्टिव, यू नो आई डिडंट फाइंड हिम फिजिकली अट्रैक्टिव, तो ऐसे बहानेबाजियां कर रहा है, जब उसके रंग की बंदी आती है तो कहता है नो आई डिडंट सी द वाइब, ऐसे करके मना कर देता है। और इसमें भाई बंदियों के नाम तो अलग हैं, उसे रिंकल मिली है, इन्हें मिलती मौसम, तो पहले तो नाम सुन के फोटो अच्छी लग रही है उसे, मुझे लगता है कि वीजा ही नाम देख के लगता है विदेश में, मौसम राजेश भाग नाइजीरिया जा, हां राजेश मैक्स दुबई हुआ यार, यहाँ नहीं लेबर कंट्री जा, मौसम आप आ जाओ, हाँ तो विनेश भी डिमांड है उनकी। और एक महिला है भाई शीतल नाम की, शीतल की तो लिस्ट ही खत्म नहीं होती, हाँ शीतल पटेल, और गुजराती, और शीतल का ऐसा है, अब एक तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोल रहे थे, नहीं जीजा कोई बोल रही होगी, देवर कहाँ से हो गया, कहाँ तो उनको पति में जीजा चाहिए, ओके ही शुड बी लाइक माय ब्रदर इन लॉ, ही शुड हैव, और पता है कैसी वाली डिमांड है शीतल की, तो कि बाल इतने लंबे होने चाहिए कि बन बन जाए, टैटू होना चाहिए, ये क्या डिमांड, ये कोई डिमांड नहीं बताइए, टैटू वैटू कोई ऐसे बोला होगा रॉकिंग स्टार यश की वाइफ ने, और अन्ना हमको तो टैटू मांगती, तो वो एक कैरेक्टर है। एक लड़का स्टार्टिंग में आता है विशाल, वो एक बेचारे इस किसका शेखर का दिल तोड़ने आता है भाई, विशाल 26 साल का, विशाल वो है जो इंटरनेट पे जिसे बॉय कहा जाता है, हाँ, और जिसके लिए लौंडों के जेल में इज्जत आ जाती है, हाँ, कि हमारे भाई का इंसाफ करके आया, इंसाफ करके आया, पहले दुख आता है, हाँ, मजा कर, तो विशाल भी एक बंदा दिखाया गया है 26 साल का है, जो कि वो सीमा आंटी के थ्रू देख रहा है, एक तो बहुत जल्दी मच रही है, 26 में गिव अप कर दिया साले ने, या फिर वो है जो आजकल आप लोगों ने देखा जीवन साथी, मतलब जो जीवन साथी वगैरह से भी सेक्स कर लेते हैं मैट्रिमोनियल पे जाके, वहाँ ज्यादा सेक्स मिल रहा है जिनको, टिंडर बंबल, ये सीमा आंटी नेटफ्लिक्स पे भी आऊंगा, हाँ सीमा आंटी कर लेता हूँ, अरे वो नहीं था वो बंदा, अब जो इस एक हमने शो नहीं देखा था, अच्छा वो टिंडर स्विंडलर, क्या नाम टिंडर स्विंडलर था, वो सीमा स्विंडलर निकला वो बंदा बीच में आके, वो खेल गया भाई अपना खेल। भाई शो का प्लॉट वही है कि सीमा आंटी अभी भी लगी हुई है रिश्ते बनाने में, सबको एक तो अपना पूरा इंट्रो देती हैं, हाय सीमा फ्रॉम मुंबई, और इस बार ऐसा नहीं है कि सब रिश्ते वाले ही हैं, एक कहानी से वो अपना ही कहानी ऐसी चल रही है जो सीमा आंटी के टच में भी नहीं है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग वो है कि जो पुराने कंटेस्टेंट है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाँ उनको भी दिखाया जा रहा है कि भाई उनकी लाइफ कहाँ तक पहुंची, और पिछले वाले भी आई थिंक वो जिनकी लाइफ में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जो विदेश चले गए, विदेश भी वो भी नहीं है, प्रतिमन की लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट था, थोड़ा ये भी दिखाया है, मुझे जो पॉपुलर हुए, जो पॉपुलर हो गए, जिसके बारे में लोग जाना चाहते हैं, 78,000 फॉलोअर्स हैं, हाँ। और प्रद्युमन पे 78,000 करोड़ शायद फॉलोअर्स हैं पैसे, बट एनीवे अब इसमें जो पिछले सीजन से है उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भाई अपर्णा क्या है, अपर्णा के पास तो टाइम ही नहीं रह गया, इतनी बिजी हो गई है, और शादी भी करनी है और अपना बिजी वो भी दिखाती रहती है, सब दिखाती है, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पहले उसने स्टार्टिंग से दिखाया गया उसने घर ढूंढने न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में उसको घर चाहिए, और घर में भाई बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे तो सारे घर अच्छा लग रहे थे, ऐसा बने जिसमें लोग घर दिखाएं, वहां पे इतने सुंदर सुंदर घर भाई, व्यू क्या है आपको, न्यू जर्सी का इंडस्ट्रियल एरिया, नदी
दिख रही है न्यू जर्सी का और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का चंद्रकांत झा मर्डर कर रहा है। याद है इंडियन प्रेडेटर? उस दिन से आज तक भाई मैं हर आदमी से तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं कौन अंदर से प्रेडेटर निकला है भाई? और क्या, मैं किसी से बदतमीज नहीं जाता। दोस्तों घर पे मुझे कोई बुलाता है तो मैं तो बता, आज शाम को बैठेंगे। मैं तीन महीने में इसकी 6 बार KYC कर चुका हूँ। मैं होगा भाई, तू राजेश कार्ड दिखा अपने पूरे के पूरे। भाई मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो लाइसेंस जमा कराता हूँ पहले। अपर्णा की ये लाइफ चल रही है, बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, लड़कों के साथ उबासी आती है उन्हें क्योंकि काम में। और भाई उनको वो भी है भाई, हाँ, कि टच नहीं कर सकता उन्हें कोई। हाँ, उनको बहुत खराब लगता है कि उनके हाथ को भी टच कर दिया किसी ने तो। उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं छूने से फैलती हो कि शी इज बीइंग केयरिंग कि किसी और को ना फैले। और वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हैं और इतना बड़ा चमाटा है ना ये हमारे देश के सारे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर कि वो एक कोरियन एस्ट्रोलॉजर पे मानती है जो भारत एक एस्ट्रोलॉजर जो यूएस रह चुकी थी अब भारत में शिफ्ट हुई। वो बता रही है कि जो गुरु होता है, गुरु का मतलब होता है कि रोटेशन वाला, तो आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपके आसपास ही घूम रहे हैं। वो बता रही है सब, शर्म आनी चाहिए हमें। भाई फिर हम क्या करें, MBTS आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं जाके, हम वहाँ जाके वही करते हैं। और क्या, हम ये जो मुझे तो उनका गाना भी नहीं पता है, मुझे पता है कर दिया मैंने, बस होता ही होता है ये तो नेहा कक्कड़ भी करती है। और क्या, ठीक है तो व्हाटएवर। बट मतलब कोरियन लोग आके अगर हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो भाई फिर हमें तो सैमसंग में जाके टीवी कसने पड़ेंगे। प्रीच करो तो अपनी लोकल चीज प्रीच करो भाई, अपना कुछ आपके यहाँ भी तो होता होगा एस्ट्रोलॉजी, आपको बताओ कि भाई जुपिटर वीनस तो हमें ही करने आते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया उसे देख के, मुझे भी गुस्सा आया। मैं हमारी चीज पे कभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोलते बोलते उसका नेट चला गया था। अंबानी साहब को भी गुस्सा आया कल को ये बताएगी मुझे कितने बजे शेयर खरीदने ये मुझे बहुत सही लगा, उसे रोका गया। उसकी लाइफ में ये चल रहा है। दूसरे एक अक्षय है जिनका हमने आपको बताया, नासिक में रहते हैं, दौलत शोहरत बहुत है, बस उनका शहर छोटा है, इस चक्कर में लड़की उन्हें मिल नहीं रही है। उनकी लाइफ में भी आगे चल के ये पता चलता है कि भाई किसी ने उन पर तंत्र मंत्र कर रखा है, इसलिए 40 साल के हो गए वो और इनकी शादी नहीं हो पा रही है इस वजह से भाई। और अच्छा अक्षय का भी क्या है, आदमी अगर कन्विक्शन से वो लगा अगले दिन नारियल के आगे पूजा करने बैठा हुआ नदी और कह रहा है मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा सीमा आंटी की मुझे ये चीज भी लगी, वन स्टॉप शॉप है भाई, वो ऐसा नहीं कि पंडित के लिए आपको अलग जाना है कुछ नहीं। आप उनके पास आओ तो पहले आपको तकलीफ भी देंगी, तेरे पे तो चक्कर लग रहा मुझे तंत्र मंत्र का। अब जैसे वो नहीं होते जब आपकी गाड़ी उड़ जाए, ऑटो वाले बताते हैं साहब इधर ले गए मैं छोड़ आऊँ तो ऑटो वाले बैठे वहाँ इसलिए होते हैं कि स्कूटी तो उठ गई आपकी, पुलिस वाले ले गए स्टेशन तक मैं ले चलता हूँ। तो सीमा आंटी वही है, वो आपको बताती है कि आपकी गाड़ी टो हो गई है, कैसे ठीक करानी है हम करा देते हैं। तो ये सारा उनका चल रहा है, उनके पास सब है भाई, उनके पास फेस रीड करने वाले बाबा हैं, बाबा हैं उनके पास, वैसे पंडित जी भी हैं जो सारे दोष मुक्त करते हैं और वो खुद तो है ही, खुद तो है ही। पर बाकी अमीरों की अगर बात करें, शीतल विरल नाडिया, नाडिया का तो सीन बता देते हैं। नाडिया का उससे था क्या नाम है, अपने शेखर से बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा क्यूट है, नाडिया को बड़ा अच्छा लग रहा है, इज सो केयरिंग। नाडिया ने पार्टी रख दी भाई, नाडिया ने पार्टी रखी। इस पार्टी में ये था कि मैच मेकिंग सर्कल के जितने लोग हैं वो सब आए, बातचीत हो, पार्टी वार्टी हो, तो शेखर उसमें ड्रिंक बना बना के ला रहा है उसे। वो अच्छा आदमी, सबकी हेल्प कर रहा है, दोस्तों की, उसके फैमिली वालों की। वहाँ इन्होंने, वहाँ हो गया एक स्प्लिट्सविला मोमेंट, वहाँ आ गया ये इंटरनेट की भाषा में कहें तो विशाल, और विशाल को देखते ही वही पूरा फिर वही शुरू हो गया। नाडिया फिसल ही देखते There is something about intimacy. I think it's a very important part of the relationship. So, बस ऐसे ही नहीं बोल पाऊंगा मैं, बात यही है। नाडिया ऐसे ही कह रही थी ना, वो ऐसे ही कह रही भाई थी। उसी रात जिस रात शेखर ने कोल्ड ड्रिंक के बनाई है, ड्रिंक बना वो बेचारा वो ड्रिंक लेकर खड़ा था। और शेखर ने ड्रिंक, उस दिन किस हो गई उनकी पहली, विशाल के नाडिया किस भी हो गई। और भाई साहब ये तो दुख बाद में निकल के आया, जब उसने शेखर के साथ कॉल पे बात करी तो शेखर ने कहा मैंने तुम्हें देख लिया था उसी दिन, मतलब यार वो माहौल था, वहाँ एक गाना बजा था ना पीछे, मैं रो देता, बड़ा दुख हुआ मुझे शेखर को देख के सच में। और लेकिन इंसाफ हुआ भाई, ऊपर वाली की लाठी में आपको पता आवाज नहीं होती है, पड़ती जोर से है। तो विशाल निकला फगवा है, उसने किए 2-3 महीने अपना जो था, अब वो भी किया, अभी वो मेकिंग आउट भी, और ये वो पहले वो हर चीज के लिए ओके था, यू नो एज डिफरेंस इज नथिंग। अरे निक जोनस बताता था खुद को, प्रियंका चोपड़ा, आई एम निक जोनस, ये सब बातें चलती थी, उनका हंसी ठट्टा फुल चला। अच्छा सीमा आंटी एक्सपर्ट है भाई, उन्होंने मना किया था, बोल देता कि ये इससे दूर रहो, मैं एडवाइस शेखर पे ध्यान दो। हाँ उन्होंने लेकिन सुनी नहीं, कहाँ सुननी आजकल की जनरेशन ने, वही ना आजकल की भी नहीं हो तो वहाँ 32 साल की यहाँ कहाँ सुननी उसे, हमसे 10 साल बड़ी, उसे सुननी थी, ये सब हुआ कांड, ये सब कांड हुआ। और फिर रोती फिर रही है कि भाई गलत हो गया मेरे साथ। अच्छा मुझे उसके लिए जरा बुरा नहीं लगा, मुझे भी लगा क्योंकि बुरा करके आ रही थी किसी के साथ, वो तो उसका तो कर्मा हो गया। हाँ शेखर को नहीं छोड़ती तो मैं विशाल को गाली बकता, पर मुझे लगा कि विशाल ऊपर वाले की लाठी थी। अब इसमें ये मत बोलना कि स्पॉइलर दे दिए, ये स्पॉइलर कुछ ब्लॉगिंग है वहाँ पे देख लो, मजा आएगा।
बड़ा मजा आया मुझे भी सही में ब्लॉगिंग सी देख के उनके जीवन के। बाकी दो तीन लड़कियां हैं, शीतल, विरल, विनेश, ये और लोग हैं, ये ढूंढ रही हैं, इनके पार्टनर्स आ रहे हैं। अच्छा भाई, इसमें मुझे सबसे सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि इनकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी विश लिस्ट है, माँ बाप के सामने ये बता रही है। चल मान ले तेरी अरेंज मैरिज हो रही है, अब मम्मी पूछे हैं कि क्या चाहिए, हिम्मत करके तू भी ऐसा बोल रहा कि सेक्सी होनी चाहिए भी, ज्यादा नहीं बोलता पढ़ी लिखी हो, यही बोल सकता है। और हमारे माँ बाप भी ऐसे बोलते थे कि नाक नक्शा जरा अच्छा होना चाहिए, छब थोड़ी ठीक हो, नाक नक्शा को भी थोड़ा वो करना, छब थोड़ी ठीक हो, सुंदर हो ऐसे, वो भाई खुला बोलना है, सेक्स बढ़िया मिलना चाहिए भाई, खुला वहाँ चल रहा है सबका। और लड़कियां तो इतनी लंबी लंबी लिस्ट बना रही हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, इसी बात के पैसे मिल लेना सीमा जी को, और फिर 30-32 में कुंवारी है तो सही है। सीमा जी बोल भी रही है कि मैं चाहती नहीं कि मैं 26 साल तक भी कुंवारी रहूं, तो मैं जल्दी में हूं सब। हां एक तो वो बता रही थी ना। अच्छा इसमें बीच में सरदार जी आते हैं, हमारे सरदार जी बहुत क्यूट, सरदार जी की पहली वाली भी सही लगती है मुझे, पता नहीं उससे क्यों नहीं हो पाती है, बट रिंकल के साथ तो फिर सरदार जी इतने प्यारे, मतलब वो करने आते हैं स्केटिंग, आइस स्केटिंग, तो उसमें रिंकल गिर जाती है भाई, मूवमेंट बनाया यार, रिंकल के घुटनों में चोट लगती है, सरदार जी प्यार से उठाते हैं और कहते हैं सॉरी मुझे नी का तो पता नहीं, बट अगर तुम्हारे दिल को कुछ हुआ तो आई टेक केयर बिकॉज आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। मैं क्या लाइने मार रहे हैं सरदार जी, मैं कह रहा हूँ वहाँ पर विरल को डॉक्टर भी चाहिए था, विरल को डॉक्टर होता और मजा, डॉक्टर होता और मजा जाए, वो तो खर्चे बचा रही थी ना, ऐसी तो कर्जे नहीं है उस पे। हाँ। उसने काम के लौंडे पटाए होंगे पहले पहले कि जहाँ फीस लगती है, उन्होंने मना किया था कि उसने बहुत कम डेट की है, 2017 and 2021 डेट और 21 2 डेट, ये जो उसका लो है कितने लौंडो का हाई होता है कि एक बंदी पटाई है, तो ये सब चल रहा है, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है। प्रद्युमन का भी दिखाया भाई, प्रद्युमन को एक मिल गया, प्रद्युमन का तो मुझे बहुत लग रहा है कि भाई पक्का जब उसका सीजन 1 आ गया था उसे इंस्टाग्राम से ही मिली है, उसे ठीक ठाक लोगों ने फॉलो किया होगा, मिल गया होगी। और प्रद्युमन का वाइब फुल वो चल रहा है कि अपने फ्रेंड से मिलाना, ये सब होता है शादी में, मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी बीवी को अपने फ्रेंड से मिलाना है, फिर हम क्या वक्त देंगे इसके आगे, चार बात हमने छुपा रखी है साले, पता नहीं क्या वक्त कभी ना मिलाऊं मैं तो अपने दोस्तों से। ये भी तो उसके बाद अक्षय के उसमें भी तो ग्रुप में हो रहा था, उसको दोस्त अक्षय का तो पता नहीं, उसको दोस्त अच्छे मिलने वाले, अक्षय को बीवी नहीं मिल रही भाई, अपनी अपनी तारीफ पहले से कर रहा है, उसका दोस्त बड़ा मजा आने वाला है, और दोस्त भाई वही वाले थे सारे जो शैंपेन पीते बैठ के, ये नहीं मेरा स्प्राइट मंगा दे, ना कुछ नहीं भाई, गिलासों में शैंपेन चले, सिर्फ अमीर लोग हैं, और मैं कह रहा हूँ अमीर यार, अमीरों की ब्लॉगिंग देखने को मिल रही है वो तो ठीक है, बट अमीरों की शादी तो देख अल्टीमेटली हो ही जाएगी, बस की है तो सीमा आंटी हमारी करा के दिखाएं, हमारे लिए ला के दिखाएं, ये शक्ल, ये इतने पैसे खाते में, अब करा के दिखाओ, अब करा के दिखाओ, खैर हम तो सीमा आंटी की फीस ही ना पे कर पाए, हमें एक चैरिटी में कर दे सीमा आंटी, बट अरेंज मैरिज को जिस तरीके से बेचा गया है शो के अंदर तो लग रहा था कि यही है सबसे खूबसूरत चीज दुनिया भाई, ये करना यही तरीका है, यही करना, और मतलब जब हमने देखा 32-34 के हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, कोई मासाचुसेट्स से, कोई कहीं से, अक्षय भी बाहर से पढ़ के आया था, 39 साल का भाई, पैसा ही से पढ़ के आया था, यूएसएस से पढ़ के आया था, तो अगर अगर दोस्तों तो किसी को लग रहा है कि बस पैसा ही नहीं है इसलिए मेरे पास बंदी नहीं है, और किसी को ये लग रहा है कि गांव से रिश्ता आ रहा नहीं लूंगा मैं तो शहर वाली से करूंगा, कर ले कुछ, शहर वाली तो अक्षय को मना कर रही है, तो तेरे लिए काम आनेगी, तो ये कुछ कुछ सीख हमें शो से मिली है। क्या क्या हमें अच्छा लगा, मैं तो भाई सब कुछ अच्छा लगा, कोई कमी नहीं लगी मुझे शो के अंदर, मुझे तो बस वो लगा कि कहीं कहीं तो थोड़ा सा बना दिया था इन्होंने, स्प्लिट्स मिला थोड़ा सा ड्रामेटिक सा, स्क्रिप्टिंग सा लग रहा था मुझे कि यार तो वही स्क्रिप्टिंग अच्छी लगी, स्क्रिप्टिंग है यार मुझे तो वही स्क्रिप्टिंग अच्छी लगी, और भाई इस बार तो वो सब मोमेंट भी दिखा दिए थे, चुम्मा चाटी भी दिखाई है इस बार तो, नहीं नहीं एक दो की तो खुली दिखाई है, उसकी दिखाई थी नाडिया की और विशाल की, थोड़ा दूर ले गए अभी सड़क पे दिखा दिया हल्का सा ब्लर मार के, तो मोमेंट भी दिखाए हैं, बढ़िया है, अच्छी सीरीज है भाई, देखी जानी चाहिए, टाइम पास कंटेंट है हिंदुस्तानियों के, बिल्कुल बिल्कुल भाई, शादियों में तो मजा आता है हमें दूसरे की देखने में, घरों में झांकने में मजा आता है बस, तो पूरा पूरा हमें झांकने को मिलता है, चैनल क्यों चल रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं, हमें इंटरेस्ट है भाई, रोज सुबह पहले हम चाय पीते हुए देखना है मुझे कि भाई उसने कल दाल चावल खाए थे क्या खाया था, पहले हम ये काम छज्जों से करते थे लटक लटक के, अब हम अपने घर पे लेटे लेटे कर लेते हैं, फोन पे आ जाता है हमारे, तो इसे जरूर देखें आप, कोई कमी नहीं लगी हमारे हिसाब से, तो देख के मजा आया, खुशी हुई देख के कि अमीर भी दुखी हैं, इनकी भी शादी नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई, पैसा मिल गया तो बंदी मिलना आसान है, और डिमांड भी तो बढ़ जाती है, हाँ ये भी है, ये चाहिए ये चाहिए, वो अमीर लड़की वो तो फिर आप रेयर ही कमोडिटी हो जाते हो, अगर आप लड़की हो और अमीर हो फिर तो आपके सारे नखरे जायज है मेरे हिसाब से। प्रिया एंड में आती है, एक मैं ये कह सकता हूँ कि आप तो एंड तक देख लें, आठवां एपिसोड पहले देख लें, आठवां एपिसोड आप पहले देख सकते हैं, प्रिया इज वर्थ वॉचिंग, प्रिया अगर किसी के ये वीडियो देख रही है क्योंकि वो डॉक्टर नर्स है, क्योंकि प्रिया नर्स है, इसलिए प्रिया अगर किसी का इंजेक्शन ठोकते हुए ये वीडियो देख रही है
सो प्रिया, हियर आर टू ऑफ अस सिंपिंग फॉर यू. हेलो. नमस्ते. नहीं देखा इंग्लिश में. हेलो. ऐसे ऐसे आ रहा. बस अब हम आ गए वीडियो के एंड की तरफ. दोस्तों वादा करके जा रहा हूँ, एक वीडियो और आएगा उसके बाद वाली वीडियो में पूरा साउथ इंडियन बन के बैठेगा. अटायर में आऊंगा एकदम. मैं हो सकता है कुर्सी पे बैठूं भी ना, जमीन पे बैठ के मैं रिव्यू करूं. वो रणवीर सिंह जैसे रंग बिरंगे चश्मे और कपड़े. नहीं तो तू नंगा बैठना फिर. अरे यार नंगा बैठने के बॉलीवुड नंगा ही तो हो चुका है. कपड़े फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए रॉकी भाई ने भाई बॉलीवुड के. तो ये होगा अगले से अगले वीडियो में. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब करें. एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. साइनिंग ऑफ.